वॉरेन बफे की दुनिया के दिग्गज निवेशकों में गिनती होती है। पूरी दुनिया इनकी निवेश पर नजर रखती है, इनको निवेशक अपना गुरु मानते हैं, इनकी कई बातों का पूरा पालन करते हैं। लेकिन वॉरेन बफे से भी बड़ी गलती हो गई है। वॉरेन बफे को एक भारतीय कंपनी में बड़ा लॉस बुक करना पड़ा। कंपनी का नाम है पेटीएम। पेटीएम में वॉरेन बफे को बड़ा नुकसान हुआ है। पेटीएम में वॉरेन बफे ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। पेटीएम में वॉरेन बफे की 2.46% यानी 3.25% हिस्सेदारी थी। ये हिस्सेदारी वॉरेन बफे ने 1,370 करोड़ में बेच दी। ये सौदा 877 रुपये प्रति शेयर पर हुआ है। पेटीएम में वॉरेन बफे ने 3.25% हिस्सेदारी 2018 में 2,200 करोड़ में खरीदी थी। यानी पेटीएम के निवेश पर वॉरेन बफे को 830 करोड़ का नुकसान हो गया। अब आप देखिए, पेटीएम में दिग्गज निवेशक को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वैसे भी इस वक्त ट्रेंड देखा जा रहा है कि दुनिया के दिग्गज निवेशक दुनिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स में अपना निवेश निकाल रहे हैं। हाल ही में सॉफ्ट बैंक और अलीबाबा ने भी पेटीएम से अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। दिग्गज निवेशकों के स्टार्टअप्स में हिस्सेदारी बेचने के पीछे दुनिया में मंदी के माहौल को माना जा रहा है। इस वक्त अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमीज़ में मंदी की मार देखी जा रही है। सवाल ये भी, जो हिस्सेदारी वॉरेन बफे ने बेची है उसको खरीदा किसने है? पेटीएम में वॉरेन बफे की हिस्सेदारी को दो फंड्स ने खरीदा है। कॉपथैल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट ने 1.19% हिस्सेदारी खरीदी है, 1.25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी। वहीं गिशालो मास्टर फंड ने 0.67% हिस्सेदारी खरीदी है। वैसे देखा जाए तो इस साल पेटीएम के शेयर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि अभी भी पेटीएम इशू प्राइस से काफ़ी नीचे है, फिर भी निवेशकों का नुकसान काफ़ी रिकवर हुआ है। पिछले 6 महीने में पेटीएम का शेयर 25% चढ़ा है, जबकि 1 साल में 92% का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को पेटीएम का शेयर 3% गिरकर 895 पर बंद हुआ। इशू प्राइस के मुकाबले पेटीएम में निवेशकों को अब भी बड़ा नुकसान हो रहा है। पेटीएम का शेयर 2,150 रुपये पर इशू हुआ था, यानी इशू प्राइस के मुकाबले पेटीएम में निवेशकों को करीब 60% का नुकसान है। हालांकि अब निवेशकों को नुकसान में रिकवरी की उम्मीद बढ़ी है। इसके पीछे बड़ी वजह है पेटीएम के घाटे में कमी आना। यही वजह है कि इस साल पेटीएम के शेयर में खरीदारी बढ़ी है। सितंबर तिमाही में पेटीएम का घाटा सालाना आधार पर 571 करोड़ से घटकर 290 करोड़ पर आ गया। वहीं आय भी सालाना आधार पर 32% बढ़कर 2519 करोड़ हो गई। कैश बैलेंस भी बढ़कर 8754 करोड़ पर आ गया। सालाना आधार पर पर्सनल लोन डिस्ट्रीब्यूशन 27% बढ़ा है। तो कुल मिलाकर दूसरी तिमाही के नतीजे पेटीएम के लिए अच्छे ही साबित हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि वॉरेन बफे के पेटीएम से बाहर आने के बाद शेयर में कमजोरी देखी जाए। शुक्रवार को भी शेयर 3% कमजोर होकर ही बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपये महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।